अच्छा इडली खुशबू आ रही है सामग्री तो बढ़िया। जैसे एक्स्ट्रा चीज चटनी हो गई, बटर हो गया, दही हो गया, एकदम छोटा सा है, एकदम छोटा सा, एक उंगली की जितना ही है। हेलो दोस्तों, तो हम आए हुए हैं तारा निवास, जहाँ पे मिलता है अनलिमिटेड फूड। बहुत ही खूबसूरत अंदर गार्डन है जहाँ पे रैबिट भी है, तो वो भी आपको दिखाएंगे हम, तो बने रहिए हमारे वीडियो में और चलते हैं अंदर। कैसे भैया, सब बढ़िया? ये बफे कितने का है? 265 का बफे, 265 का है ना? और उसमें क्या क्या आएगा वेज में बताओगे आप, क्या क्या चीज़ें? इडली सांभर, इडली सांभर बटर वेजिटेबल, दिखा लो, खोल के दिखाओ। पकौड़े, अच्छा पकौड़े, इडली सांभर, पकौड़े, बटर वेजिटेबल, पराठा, फ्रेंच फ्राइज, सेवैयां, जूस। ये क्या चीज़ें भैया? पटेटो, फ्रेंच फ्राइज, और इसमें ढोकला, फ्रूट्स, कॉर्नफ्लेक्स, और ये इसमें चाय, चाय कॉफ़ी है, और ये सब भाई चटनी वटनी, ये सब हो गया, बटर वटर। तो दोस्तों हम लेते हैं अपना नाश्ता। आलू का पराठा, आलू का पराठा ले लें, फ्रेंच फ्राइज। ब्रेड और जूस भी दे दो। रखा ही छोड़ा था। हाँ तो दोस्तों हम तो आराम से बैठ के खाएंगे, अंदर भी बैठ सकते हैं और आराम से यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, एकदम ब्यूटीफुल खूबसूरत सुबह के साथ बैठ के यहाँ पे हम खाएंगे। तो स्टार्ट हो गया, अभी स्टार्ट करते हैं। एकदम गर्मा गर्म चाय, सुबह सुबह की चाय पी, एकदम दिमाग फ्रेश हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चाय है। तो भी स्टार्ट करते हैं ढोकले से। ढोकला देखो एकदम सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट, ढोकला बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, एक अच्छा स्वाद है ढोकले का, मीठा मीठा लग रहा है ढोकला। ठीक से लगा लो, इडली बढ़िया लग रही है एकदम। अच्छे सजा रखे इडली को, खाएंगे चटनी के साथ, नारियल की चटनी और इडली, नारियल की चटनी इडली। देखो सांभर एकदम गाढ़ा गाढ़ा, बहुत सारे वेजिटेबल डाले गए उसके अंदर, आलू का पराठा,
सेवैया, फ्राई सेवैया ये वेजिटेबल डाल के बनाया गया इनको। हाँ तो दोस्तों ये भजिया है, ये पकौड़ी है, देखो कैसे गोल साइज की, फर्स्ट टाइम देख रही है गोल साइज की पकौड़ी है। अच्छा इन्हें प्याज को लिंग टाइप के बना के वो फिर फ्राई किया है बेसन में लपेट के, बढ़िया लग रहे हैं ये दोस्तों। इन्हें पटेटो को फ्राई किया गया है, दोस्तों पटेटो भी यार एक नंबर लग रहे हैं, एक नंबर। ओए 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 ओके आलू का पराठा दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़िया है, अच्छे से स्टफिंग की गई है आलू की और तई के साथ से कमाल का लगता है आलू का पराठा। अच्छा गोभी के पकोड़े हैं, पकौड़े मज़ा ही आ गया। खाना ऐसा होना चाहिए कि अच्छा भी लगे और आप बार बार खाओ उस खाने को, और ये खाना से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। 3-4 बार अच्छे से हमने रिफ़िल करा है और आराम से खा रहे हैं, सब एकदम बढ़िया है। हाँ तो दोस्तों सारा ही खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बढ़िया लग रहा है हमें नाश्ता, मज़ा आ गया खा के। तो दोस्तों यहाँ पे खरगोश भी है और एक छोटा सा खरगोश है जो अंदर एकदम दिखाई नहीं दे रहा, उधर की तरफ है वो रहा, एकदम छोटा एकदम छोटा। ये क्या खा रहा है भाई, ये घास खा रहा है। अरे यार वो सबसे छोटा वो है, उसको ले गया मारेंगे यार। अरे नहीं मारती है, काट लेगा तो। अरे कोई नहीं काटेगा। अरे मतलब बिल में घुस गया यार छोटा सा। अरे वाह यार देखो दोस्तों कितना सा रैबिट है, कितना सा रैबिट, छोटा सा रैबिट है, एक तो छोटा सा रैबिट एकदम, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है यार एकदम, एक हाथ के जितना ही है। हेलो यहाँ पे आगे सही में दोस्तों बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट लगा, मजे ही आ गए यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों हमने अपना मज़ेदार ब्रेकफास्ट कर लिया, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा हमें, एकदम फर्स्ट क्लास था। आपको ये ट्राई करना हो तो इसका एड्रेस और इसका टाइमिंग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये ब्रेकफास्ट पड़ा हमें 265 और इसकी टाइमिंग है 7 बजे से 11 बजे तक इसकी टाइमिंग है मॉर्निंग की, मॉर्निंग में रहेगा ब्रेकफास्ट और अल्टीमेट ब्रेकफास्ट है दोस्तों, एक बार जरूर ट्राई करना यहाँ पे। अल्टीमेट है, ज़बरदस्त है, अनलिमिटेड है, जितना मन चाहे उतना खाओ, मज़ा ही आ गया। ये छोटे दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, भाइयों को यादों में याद रखो, फिर मिलेंगे एक और नए मजेदार ब्लॉग में।